अगर आपके सामने किसी को सांप काट लेता है या फिर आपको ही सांप काट लेता है तो आप क्या करोगे? पहला तो हीरो की तरह उसका सारा जहर चूस लोगे ताकि वो बच जाए, जैसे कि मूवी में दिखाते हैं। या फिर दूसरा, उसको जहां पे सांप काटा है वहां पे थोड़ा सा चीरा लगा दोगे और दबा के खून निकाल दोगे ताकि जहर निकल जाए, वैसा भी मूवी में दिखाते हैं। तीसरा, उसको जहां पे सांप ने काटा है वहां पे चूना, नमक, कॉफी या फिर कोई जादू आदिवासी जड़ी बूटी लगा दोगे, जैसा कि मूवी में दिखाते हैं। या फिर चौथा, उसको जहां पे सांप ने काटा है उसके ऊपर इतनी जोर से रस्सी बांध दोगे ताकि खून आना जाना ही बंद हो जाए और जहर फैले नहीं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपके सारे भ्रम तोड़ देता हूं और ये कहता हूं कि इन चारों में से आपको कुछ भी नहीं करना है, ये चारों ही गलत है, आपको हीरो नहीं बनना है। तो फिर करना क्या है? मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं। और जब मैं पीडियाट्रिशियन की पढ़ाई करता था तब बहुत सारे आदिवासी बच्चे सांप काटने की वजह से मेरी हॉस्पिटल में एडमिट होते थे, क्योंकि बच्चे जंगल में घूमते हैं, कहीं पे भी हाथ डालते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते, बहुत चौकन्ने नहीं होते, तो सांप काटने के बहुत सारे मामले बच्चों में होते हैं। लेकिन गलत मान्यताओं की वजह से माँ बाप बच्चों को दूसरे तीसरे दिन हॉस्पिटल में लाते थे जब कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते थे। तो मैं ये मिथ्स दूर करना चाहता हूँ ताकि आदमी जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचे और उसकी जान बच सके। तो अब जानते हैं सांप किन लोगों को ज़्यादा काटता है। सांप जनरली अपने बचाव में, अपने डिफेंस के लिए ही हमला करता है। सांप को जब अपने जान का खतरा लगे, वो कहीं से फंस जाए या फिर उसको लगे कि कोई उसको मारना चाहता है, तभी वो अपने डिफेंस के लिए आपको काटता है। या फिर गलती से आपने उनके ऊपर पैर रख दिया तो अपने बचाव में वो काट लेते हैं। या फिर आप हीरो बन रहे हो, सांप को छेड़ रहे हो, सांप के साथ खेल रहे हो, तो सांप को अपना जान का खतरा लगेगा और वो आपको काट लेगा। सांप कभी भी आपका पीछा करके बदला लेने के लिए या फिर घात लगा के आप पे हमला नहीं करता, जैसे कि मूवी में दिखाते हैं। और हाँ, सांप आदमी का भेष भी नहीं बदल सकता। तो फिर जो लोग जंगल में रहते हैं, खेतों में काम करते हैं, बच्चे, और वो लोग जो सांप का जहर निकालने का काम करते हैं इंस्टीट्यूशंस में, उनको सांप काटने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। अब ये जानते हैं कि इंडिया में कौन से सांप जहरीले होते हैं। वैसे तो इंडिया में 350 से भी ज्यादा सांपों की जाति होती है, पर उसमें से 15-70% सांप ही जहरीले होते हैं। ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते, और उन जहरीले सांपों में भी सिर्फ 4 प्रकार के सांप ऐसे हैं जिनके काटने से आदमी की मौत हो सकती है, उनको बिग फोर भी कहते हैं। तो उन 4 में होता है, एक तो वाइपर फैमिली, पहला होता है रसल्स वाइपर, दूसरा होता है सो स्केल्ड वाइपर, तीसरा होता है कॉमन कोबरा और चौथा होता है कॉमन क्रेट। और ये जहरीले सांप भी छेड़े जाने पर या मौत का खतरा होने पर ही काटते हैं। सिर्फ कॉमन क्रेट एक ऐसा सांप है जो घरों में घुस के सोते हुए आदमियों को भी काट लेता है बिना किसी वजह के। ये सांपों का विलन है, बाकी दूसरे सांप ऐसा नहीं करते हैं। सांप का जहर होता क्या है? सांप का जहर बहुत सारी चीजों का मिक्सर होता है। उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट पेप्टाइड्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, मेटल आयंस होते हैं। जब ये सब चीज़ें शरीर में जाती हैं तो शरीर के सेल्स के साथ रिएक्ट करती हैं, शरीर के सेल को डैमेज करती हैं और उनके कॉम्प्लिकेशन की वजह से मौत होती है। इंडिया में जो जहरीले सांप है उनके जहर को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला होता है न्यूरोटॉक्सिन जहर वाले सांप, उसमें कॉमन क्रेट आता है और कोबरा आता है। जब ये जहर वाले सांप काटते हैं तो शरीर के नर्व फंक्शन को डिस्टर्ब होता है, शरीर के नर्व का फंक्शन खराब हो जाता है। उसकी वजह से जब ऐसे सांप काटते हैं तो शरीर के जो मसल्स होते हैं वो पहले तो वीक होते हैं और बाद में कम्प्लीटली पैरालाइज हो जाते हैं, और उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से आदमी की मौत हो जाती है। दूसरे तरह का जो जहर है उसको हीमोटॉक्सिक जहर बोलते हैं, और वाइपर फैमिली के सांप रसल वाइपर और सो स्केल वाइपर इस तरह का जहर देते हैं। जब ऐसा जहर शरीर में जाता है तो खून के जमने की प्रक्रिया खराब हो जाती है, खून पतला हो जाता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग चालू हो जाती है और उस ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशन की वजह से आदमी की मौत हो जाती है। सांप के काटने के क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है, मतलब जब सांप काटता है तो आपको होता क्या है, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सांप काटा है, आपको हीमोटॉक्सिक सांप काटा है या न्यूरोटॉक्सिक सांप काटा है। तो सबसे पहले न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स की बात करते हैं जिसमें कोबरा और कॉमन क्रेट आता है। जब ऐसे सांप काटते हैं तो लोकल साइट पे जहां पे सांप ने काटा है वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखती, बहुत ज्यादा दर्द, सूजन या बर्निंग सेंसेशन नहीं होता। सिस्टमिक इफेक्ट्स जब चालू होती हैं तो मसल वीकनेस की वजह से होने वाली तकलीफें आपको दिखने लगती हैं, टोसिस होने लगता है, पलके गिरने लगती हैं क्योंकि मसल वीक होने लगते हैं, डबल विजन, आपको दो दो चीजें दिखाई देती है क्योंकि मसल वीक होते हैं, फेशियल मसल्स वीक होते हैं, पैलेट और टंग के मसल्स वीक होते हैं,
जॉ मसल्स वीक होते हैं, खाना निगलने वाले मसल्स वीक होते हैं, तो आप खाना निगल भी नहीं पाते। और बाद में धीरे धीरे इंटरकॉस्टल्स मसल्स जो आपको सांस लेने में मदद करते हैं वो भी वीक होते हैं और पैरालाइज हो जाते हैं, तो आदमी सांस भी नहीं ले पाता है। वैसे आदमियों को तुरंत वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। अब ये देखते हैं, जब हीमोटॉक्सिक स्नेक्स काटते हैं जैसे कि रसल्स वाइपर और सो स्केल्ड वाइपर, तब आपको जहाँ पे सांप ने काटा है बहुत ज़्यादा सिम्टम्स दिखेंगे, बहुत ज़्यादा सूजन दिखेगा, वो जगह काली हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दर्द होगा और वहाँ से ब्लीडिंग भी हो रहा होगा। सांप ने जहाँ के काटा है फैंग मार्क से वहाँ से भी ब्लीडिंग होगा, पुराने घाव में से भी ब्लीडिंग होने लगेगा, गम में से भी ब्लीडिंग होने लगेगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग भी होने लगेगी। आपके ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हो सकती है, लंग्स में ब्लीडिंग हो सकती है, और उन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आदमी की मौत हो जाती है। हीमोटॉक्सिक स्नेक्स की वजह से ज्यादा मौत होती है न्यूरोटॉक्सिक जहर वाले सांपों के कंपैरिजन में। हाउ टू मैनेज स्नेक बाइट, फर्स्ट एड में आपको क्या करना है? वीडियो के शुरू में ही मैं आपको बता चुका हूं कि क्या नहीं करना है। अब जानते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले तो आदमी को रीअश्योर करना है, क्योंकि जब सांप काटता है तो आदमी बहुत डर जाता है, उसकी वजह से उसको न्यूरोजेनिक शॉक लग सकता है। डरने की वजह से वो ज्यादा चिल्लाएगा, दौड़ेगा, कूदेगा, बोलेगा, हिलेगा, तो ऐसा करने से सांप का जल्दी से शरीर में फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसको रोकना है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इमोबिलाइजेशन। जहां पे सांप ने काटा है उस लिम्ब को बहुत हिलाना नहीं है, क्योंकि आप उसको हिलाओगे तो जहर जल्दी से शरीर में फैलेगा। आप उसमें स्लिंग भी बांध सकते हैं और स्प्लिंट भी बांध सकते हैं, क्रैप बैंडेज भी बांध सकते हैं। तीसरा इमीडिएट ट्रांसपोर्टेशन, रीअश्योर करने के बाद और इमोबिलाइजेशन करने के बाद आदमी को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना है। और चौथा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, झाड़ फूक करने वाले बाबा के पास, जहर उतारने वाले बाबा के पास, या ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे टाइम बिगड़े। मेन ट्रीटमेंट क्या होता है, मतलब कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट क्या होता है, सबसे जरूरी सबसे मुख्य होता है एंटी स्नेक वेनम, जहर का मार। इंसान जिंदा रहेगा कि नहीं ये डिपेंड करता है कि उसको एंटी स्नेक वेनम कब मिला है। अब ये एंटी स्नेक वेनम क्या है, वो कैसे बनता है? इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो एंटी स्नेक वेनम बनाते हैं, वो सांपों को पालते हैं। कहते हैं ना कि सांप के जहर का मार सांप के जहर में ही होता है, तो वो लोग सांप का जहर निकालते हैं और उसमें से थोड़ी अमाउंट घोड़े में डालते हैं। थोड़ी अमाउंट इसलिए कि उस जहर से घोड़ा मर ना जाए। तो जब वो अमाउंट घोड़े में जाती है तो घोड़े की इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है और एंटीबॉडीज बनाती है। हमारी इम्यूनिटी कैसे काम करती है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपको चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जब घोड़े ने वो एंटीबॉडीज बनाई तो हम घोड़े का सीरम निकालते हैं, उसमें से एंटीबॉडी को अलग करते हैं और उसी में से एंटी स्नेक वेनम बनता है। इंडिया में एंटी स्नेक वेनम पॉलीवेलेंट होता है। पॉलीवेलेंट का मतलब है कि एक ही स्नेक वेनम में चारों सांपों के अगेंस्ट की एंटीबॉडीज है, वो एंटी वेनम ये चारों सांपों के अगेंस्ट काम करता है। तो आपको सांप को पहचानने की जरूरत नहीं है, सांप को लेके आने की भी जरूरत नहीं है, सांप का आइडेंटिफिकेशन जरूरी नहीं है कि कौन से सांप ने काटा है, क्योंकि जो एंटी स्नेक वेनम है वो चारों सांपों के अगेंस्ट काम करता है। तीसरा ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। अगर सांप के काटने के बाद ट्रीटमेंट में थोड़ी देरी हुई है और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं तो उसको हमें ट्रीट करना पड़ेगा। न्यूरोटॉक्सिक सांप काटने के बाद अगर सांस बंद होने लगती है बिकॉज ऑफ पैरालिसिस, तो वैसे पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है ताकि उनकी जान बच सके। हीमोटॉक्सिक सांप काटने की वजह से अगर ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस होने लगे हैं तो वैसे पेशेंट को FFP और ब्लड कंपोनेंट चढ़ाने पड़ते हैं। जाने से पहले ये समझ लीजिए कि सांप हमारे दोस्त है, खास करके फार्मर्स के। चूहों को मार के वो फार्मर की मदद करते हैं, तो सांपों को छेड़िए मत, उनको परेशान मत करिए, उनको पकड़ने की कोशिश मत करिए। जंगल में जब जाते हो तो जूते पहनिए, ट्राउजर्स पहनिए, ताकि आप एक्सीडेंटल बाइट से बच सको। और जंगल में और खेतों में जमीन पे ना सोए उस कॉमन क्रेट सांप की वजह से, तो आपको सांप नहीं काटेगा। इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको वीडियो मिस ना करें। आप अगर ब्राउन राइस और व्हाइट राइस का कंपैरिजन जानना चाहते हैं और कौन सा राइस अच्छा है ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो जरूर देखें।